आज मुंबई से करीब थाने सिटी में आया हूँ। ये मुंबई का थाना स्टेशन है, सेंट्रल रेलवे का सबसे मसरूफ़ तरीन, वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन इन द मुंबई। तो आइए बाहर चलते हैं और एक ख़ास चीज़ की तरफ लेकर आपको चल रहा हूँ। एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाने के लिए आया हूँ, तो अभी नहीं बताऊँगा आपको मैं, आगे चलते हैं। उस लोकेशन पर चल के ही आपको वो चीज़ दिखाता हूँ, तो आपको वो चीज़ समझ में भी आएगी इंशाल्लाह और मज़ा भी आएगा देखने में। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखने की कोशिश करें, स्किप ना करें। जब तक आप मुकम्मल वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगी और इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैयाज मोहम्मद, सबसे पहले दुरूद सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त थाने वेस्ट में आया हूँ और बहुत ही आज ख़ास चीज़ आपके लिए लेकर आया, तो मैं अभी वीडियो में बोलूँगा नहीं, वो आपको दिखाऊँगा चलकर, ठीक है। तो बिल्कुल थाने स्टेशन से वॉकेबल डिस्टेंस 3 से 4 मिनट के डिस्टेंस पर थाने वेस्ट में एक जामा मस्जिद है, जिसे सुन्नी कब्रिस्तान मस्जिद भी कहा जाता है और महागिरी मस्जिद भी कहा जाता है। तो आइए, किस मकसद के तहत यहाँ पर आया हूँ वो आपको चलकर अंदर दिखाते हैं, तो आपको समझ में आएगा। चलिए अंदर चलते हैं मस्जिद में, आपको समझ में आएगा। थाने रेलवे स्टेशन वेस्ट में एक नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर निकलेंगे और ये तलाव पाली का रोड कहा जाता है। थाने वेस्ट में गलीबन 3 से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर ये एक सुन्नी जामा मस्जिद है। आइए मस्जिद की तरफ चलते हैं, तो यहाँ के ज़िम्मेदारों से इजाज़त भी ले ली है और पानी की बोतल भी हमने साथ में ली है, और ज़िम्मेदारों से इजाज़त लेकर वीडियो बना रहे हैं। मस्जिद में दाखिल होने से पहले बेहतर और अफजल ये है कि दुआ पढ़ ली जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इफ्ताह ली अबवाब रहमतिक नवैतु सुन्नतल इतिकाफ़, ताकि मस्जिद में जो बातें मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ वो जायज़ और दुरुस्त हो जाएगी इंशाल्लाह और कोई गुनाह भी नहीं होगा। आइए अब तफसीली बात करते हैं। जामा मस्जिद कब्रिस्तान मस्जिद में इफ्तार का मंजर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये एक सरप्राइज़ था आपके लिए कि आज 27वां रोज़ा है और कल बड़ी रात गुजर चुकी और अभी इफ्तार का माशाल्लाह बेहतरीन इंतज़ाम यहाँ पे चल रहा है, तो अभी आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से, कितने सालों से ये इंतज़ाम चल रहा है। यहाँ के ज़िम्मेदारों से भी आपको मैं बात करवाता हूँ, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह मालूम है, तकरीबन मैं खुद यहाँ से 10 से 15 साल से मैं इफ्तार कर रहा हूँ, तो यहाँ की मालूमात मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा है। पिछले कई टाइम पर मैं ऑफिस में आता था, तो यहाँ पर मैं आपके ज़िम्मेदार और यहाँ के इमाम साहब और ज़िम्मेदार से आपसे मुलाकात करके हम बताएँगे कि किस तरीके की इफ्तार का मंजर है। चलिए देखते हैं इफ्तार के। ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है जहाँ पर 5 वक्ता नमाज का बाकायदा अहतमाम होता है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खूबसूरत छोटी सी मस्जिद है और काफ़ी अरसे दराज पुरानी है, बहुत कदीम जामा मस्जिद है ये। मैं ख़ुद इस मस्जिद को 25 सालों से देख रहा हूँ। ये देखिए माशाल्लाह सुभानअल्लाह, क्या बेहतरीन इफ्तार का इंतज़ाम चल रहा है, तैयारी चल रही है, थाले सजाए जा रहे हैं, कितने थाले लगेंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ज़िम्मेदार जो है इंतज़ामिया कमेटी वो बताएगी देखना अभी कि कितने थाले लगते हैं रोज़ाना माह रमज़ान में। ये देखिए कितने सारे शरबत के गिलास, क्या बात है सुभान अल्लाह, ऐसा बेहतरीन शरबत आपने टेस्ट करना है तो इस मस्जिद में ज़रूर इफ्तार करें। ये देखिए पानी के गिलास, शरबत के इंतज़ाम, और कितने लोग यहाँ पे इफ्तार करते हैं माह रमज़ान में, देखिए माशाल्लाह एक थाले में देखिए कितनी वैरायटी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस थाले में नज़र आता है वो है चिकन का पुलाव और वेज पुलाव, दो आइटम वैरायटी होते हैं। कितने खूबसूरत इंतज़ाम, अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे पब्लिक आवाम जो है किस तरीके से उमड़ कर आती है ज़ौक और शौक़ से। ये देखिए दस्तरखान, कितना लंबा वसी दस्तरखान है। अच्छा, इस मस्जिद के करीब में कब्रिस्तान भी है, इसके पीछे जो पर्दे लगे हैं ना, इस पर्दे के बैक साइड में कब्रिस्तान भी है। ये देखिए माशाल्लाह पब्लिक आना शुरू हो गई क्योंकि इफ्तार का वक्त करीब हो चुका है और 10 से 15 मिनट बचे हैं गालिबन अजान के लिए, इसलिए आवाम जो है बहुत तेज़ी से आ रही है।
अतराफ़ में यहाँ पे जो ऑफिसेस हैं, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने, गोडाउंस, ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा इंतज़ाम। तो यहाँ पर सारी जो मुस्लिम आबादी है अक्सरियत, तो यहाँ पर इफ्तार और तरावी के लिए यहीं पर आ जाती है। अब इफ्तार का वक्त बिल्कुल करीब हो चुका है और मस्जिद में रश भी ज़्यादा हो गया है, तो बेहतर और ज़रूरी समझता हूँ कि मुझे भी अपनी जगह तलाश करनी होगी, वरना मुझे भी इफ्तारी का मसला हो जाएगा। तो एक जगह में बैठ जाता हूँ सुकून से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، अल्लाह का शुक्र है कि सुकून से इफ्तारी हो गई। अभी जमात का वक्त करीब है, मगरिब की नमाज़ पहले जमात से अदा करेंगे, फिर उसके बाद एक और सरप्राइज़ है। अब वो नमाज़ पढ़ने के बाद वो आपको डायरेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, बोलूँगा नहीं। ये देखिए सब आवाम जो है जमात की तैयारी में लगी हुई है, बस इंशाल्लाह अभी जमात खड़ी होगी और नमाज़ से फारिग होकर फिर आपको वो सरप्राइज़ दिखाता हूँ कि वो क्या चीज़ है। आइए नमाज़ पढ़ते हैं सुकून से। माशाल्लाह नमाज़ भी अदा हो गई, अभी आइए सरप्राइज़ की तरफ चलते हैं। ये देख रहे हैं छोटे छोटे गिलास, क्या नज़र आ रहा है आपको? माशाल्लाह ये बम्बई की स्पेशलिटी है कि लोग यहाँ पे इफ्तार के फौरन बाद जो है चाय पीना पसंद करते हैं, तो बम्बई वालों के लिए ख़ास यहाँ पे चाय का इंतज़ाम किया गया है, बेहतरीन उमदा किस्म की चाय, जिसे पीते ही आपको जो सुस्ती वगैरह जो है फौरन वो दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। हम भी चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं और अपने माशाल्लाह मज़ा ले रहे हैं चाय का, बहुत बेहतरीन चाय है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सिस्टमेटिक लाइन लगाकर लोगों को चाय दी जाती है और तमाम अफराद जो है इत्मीनान और सुकून के साथ चाय पीकर अपने अपने काम धंधे पर फौरन जो है लौट जाते हैं। सिस्टमेटिक चाय का इंतज़ाम है, बहुत ही उम्दा और आला किस्म की चाय बनती है। मैं तो टेस्ट कर चुका हूँ, आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि आपको भी टेस्ट करना है तो थाने वेस्ट की ये सुन्नी जामा मस्जिद में आए और इफ्तार करें। अब आइए थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नजीम मुल्ला साहब, ये ज़िम्मेदार हैं टीएमसी के और अध्यक्ष भी हैं और मस्जिद
के लिए काफ़ी इन्होंने काम किया है, कारकर्दगी की है, तो उनका एजाज़ किया जा रहा है, उन्हें हौसला अफजाई और उनका उनके जितने भी साथी उनके साथ जो आए हैं नजीब मुल्ला साहब के साथ में, इनके सबका सम्मान समारोह का ये फंक्शन चल रहा है। उन्होंने इस जामा मस्जिद के लिए और टीएमसी राबोड़ी के इलाके में मुसलमानों के लिए काफ़ी हद तक अच्छा काम किया है उन्होंने। ये ज़िम्मेदार शख्सियतें सब आई हैं, इनका सम्मान समारोह यानी उनके लिए एजाज़ के लिए बुके फूल वगैरह पेश किए जा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन इंतज़ाम, और अरसे दराज से, आज से नहीं बल्कि काफ़ी अरसे दराज से इस जामा मस्जिद और अतराफ़ के कई इलाकों में अच्छे से अच्छा इन्होंने काम किए हुए हैं। तो आज इनके लिए गुलपोशी और चादर पेश की जा रही है। ये तमाम मस्जिद के भी ज़िम्मेदार हैं, मेरे बाएं जानिब जो देख सकते हैं, ये तमाम मस्जिद के ट्रस्टी कमेटी मेंबर और ज़िम्मेदारान नजीब मुल्ला साहब के जो साथ में आए हैं, इन तमाम लोगों का वेलकम किया जा रहा है, क्योंकि माह रमज़ान बिल्कुल ख़त्म पे है, 27 रोज़े मुकम्मल हो चुके हैं, बस 2 दिन बचे हैं ईद के लिए, इसलिए तमाम ज़िम्मेदारों को दावत का इनविटेशन देकर उनको बुलाया गया है मस्जिद में, और इनका मान सम्मान बढ़ाकर इन्हें एजाज़ देकर इनकी हौसला अफजाई की जा रही है। और इस वक्त मैं सुनी जामा मस्जिद कब्रिस्तान मस्जिद के थाना वेस्ट के इलाके में हूँ, और मेरे सामने जामा मस्जिद के ज़िम्मेदार कमेटी तमाम हजरात मौजूद हैं, मौजूद इमाम साहब और दीगर ज़िम्मेदार जो मस्जिद के यहाँ पे मौजूद हैं। मैं इनसे पूछना चाह रहा था कि माशाल्लाह, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ये तजुर्बा है कि पिछले 10-12 साल से मैं खुद यहाँ पर इफ्तारी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा ऑफिस यहीं पर था, ऑफिस से छूट कर मैं यहीं पर आता था नमाज़ और तरावी और दीगर इफ्तार के मामला के। तो मैं आज वीडियो बनाने का मकसद यही था कि यहाँ के मामला लोगों तक पहुँचाएँ, और मस्जिद के जो मामला यहाँ पे होते हैं इफ्तार के, वो ज़िम्मेदार से मैं जानने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। ताकि मैं पूछना चाहता हूँ ज़िम्मेदार से, हमारे सिद्दीक भाई से पूछना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से माशाल्लाह यहाँ पे इंतज़ाम होता है, और कितने सालों से ये इंतज़ाम चल रहा है माशाल्लाह? 25 से 27 साल से एक रोगन चला अलहमदिल्ला, लोगों की कई गाँव से मांगी, मकामी लोग के गाँव से, बाहरी मांगी गाँव से, और ये काम चल रहा है, सब काम चल रहा है माशाल्लाह। 25 से 27 सालों से ये इंतज़ाम चल रहा है, बहुत बेहतरीन। और किस किस तरीके से ये अंजाम होता है इमाम साहब बताएंगे ज़रा, कि कुछ कमी पेशी होती है कुछ नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह कभी कम नहीं होता, और यहाँ पर हमारे यहाँ 4 बावर्ची हैं माशाल्लाह, वेज के, 2 नॉन वेज के, जो अच्छा वेज और नॉन वेज दोनों होता है माशाल्लाह। सही बात है माशाल्लाह, देखा आपने पुलाव, सही बात है वेज और नॉन वेज दोनों होता है, उसके लिए अलग कैटर्स है, दोनों के लिए अलग अलग काम करते हैं, तकरीबन 12 बजे शुरू हो जाता है, 11-12 बजे उनका काम शुरू हो जाता है। कहाँ से ये माशाल्लाह इंतजाम हो जाता है, कैसे ये हम खुद देख के हैरत हो जाते हैं कि इतना इंतजाम किस तरीके से हो जाता है? अल्लाह की तरफ से सवार है, उसे भैया अपने बंदों के दिल में डाला हुआ है, हम लोग क्या माशाल्लाह, जैसा कि मैंने बताया कि जबर भाई ने शुरू किया था और उन्हें मालूम नहीं था, मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, लोग साथ आते गए, कारवां बढ़ता गया, तो यहाँ लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता जा रहा है, और कभी कभी लगता है कि कैसे होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कैसे होता है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ तमाम जिम्मेदार को, अल्लाह ताला तमाम ये कविशों को मैदान महशर को कबूल फरमाए, तमाम आपके मसाइल को हल फरमाए मैदान महशर में। सबसे बड़ी बात होती है कि एक पर पार्टी आदमी 500-700 रुपया एक दिन के लिए करता है, तो पूरे हफ्ते 10 दिन इंतजाम करता है। कितने थाले लगते हैं अंदाज़े? 100 थाले, एक थाले में तकरीबन 4 से 5 लोग, 6 से 7 लोग बैठते हैं, और 100 थाले लगते हैं तकरीबन, तो उस हिसाब से 600 से 700 लोगों की इफ्तारी का इंतजाम माशाल्लाह पूरे महीने में अच्छे से तरीके से होता है माशाल्लाह। La ilaha illallah.